अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ शाही चिकन कोरमा। तो ये रहा मेरा चिकन और ये है मेरे मसाले, ये मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर है, और ये है गरम मसाले। तो मैं पहले इसको मैरिनेट करूँगी, उसके बाद मैंने ये दही लिया है, हाफ कटोरी है करीब, तो मैंने ये डाल दिया है। और इसमें जाएगा सारे मसाले, यूँ इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर मैं इसमें डालूंगी चिकन। इसे अच्छे से मिक्स कर दें और ये मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करें, चिकन बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट एकदम नरम हो जाता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ज़्यादा वक्त नहीं है तो इसलिए मैं आधा घंटा ही रखूँगी, और आप ज़्यादा देर रखें और अच्छा होगा जितनी देर आप मैरिनेट के लिए रखें, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, मसाले और सारे मसाले जितने थे, दही वगैरह। अब मैं इसे आधा घंटा के लिए रख दूँगी ढककर, कम से कम वक्त हो तो आधा घंटा एक घंटा, नहीं तो दो तीन घंटे आप रख दें साइड में, बहुत अच्छा होगा। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो सुबह मैरिनेट करके रख दें, और सुबह बना रहे हैं तो रात में रख दें, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, वो गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल दूँगी तेल, अब मैं इसमें डालूँगी ये सारे मसाले, ये थोड़े थोड़े सब खड़े मसाले हैं, ये ताज है, ये तेज़पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं सॉटे कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। अब ये जैसे ही सॉटे होता है इसमें तो देखिए ये सॉटे हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट भर के बड़ा चम्मच, ये थोड़ा सा और डाल दिया मैंने, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैं भून लूँगी, बस कच्चा पानी से मिट जाए इसमें से, बस इतना मैं भून लूँगी, है ना। तो देखिए लहसुन भी मेरा भून गया है एकदम बिल्कुल परफेक्ट, और ये मेरा चिकन भी रेडी है मैरिनेट करके। देखिए कैसा कलर आ गया है। अब मैं इसे सावधानी से इसके अंदर डाल दूँगी, इसे अच्छे से चला लूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं हाई फ्लेम रखूँगी ताकि अच्छा से ये चिकन भून जाए, ठीक है। मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से इसे भून लूँगी हाई फ्लेम रख के। ये एक तरफ मैंने पैन रखा है गरम होने के लिए, ये जैसे ही गरम हो जाएगा, ये मैंने लिया है कुछ बड़ा चम्मच, 2 चम्मच काजू,
है ना, तो इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने डाला है। इसको रोस्ट करना है सो मैं कर लूँगी। बिल्कुल इसमें ज़्यादा कोई कलर वलर नहीं आना चाहिए, हल्का सा खाली रोस्ट करना है। ठीक है, ये जैसे ही रोस्ट हो जाए इससे आप तो या तो फिर मिक्सी में ये पाउडर बना लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास वो कूटने वाला आता है ना उसमें कूट लीजिए। तो देखिए चिकन इस तरह का हो गया है। अब मैं इसमें और जो डालना है सब डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे रखा है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन करके बिरस्ता बना के, पहले से ही मेरे पास था तो मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज को वो कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, और ये मैंने डाला टमेटो प्यूरी 1 कटोरी है, ये भी 2 टमेटो है ना। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने काजू को रोस्ट किया था, तो मैं इस तरह से दरदरा मैंने इसमें कूट लिया। उसके बाद इसमें डालूँगी ये फ्रेश मलाई है मेरे घर का, अगर आपके पास क्रीम है तो आप यहाँ पे क्रीम डाल दें। उसके बाद ये है ये मगज तरी, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन यहाँ पे मगज तरी बोला जाता है, इसलिए मैं मगज तरी बोल रही हूँ। अब इसे सारे को अच्छे से मिक्स कर दें चिकन में। इस तरह से, और फिर यहाँ पे नमक डाल दें थोड़ा, क्योंकि पहले तो नमक जो है कि वो थोड़ा ही डाला था, तभी सब सारे मसाले टमाटर वगैरह डाला ना, तो थोड़ा और डाल दें। और ये 2 हरी मिर्च लंबे लंबे कटे हुए हैं ये भी डाल दें। अब बस इसको कुछ करना नहीं है, पहले तो हमने हाई फ्लेम पे रखा, अब मीडियम लो फ्लेम पे रख के अब इसे पका लें 15 से 20 मिनट। इसे ढककर इस तरह इसे ढक दें। मैंने चूल्हे को मीडियम कर दिया है, अब इसको ढक दीजिए इस तरह। फिर मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। तो देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है और 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जायफल, चुटकी भर आप इसमें डाल दें, इससे बड़ा अच्छा खुशबू और मज़ेदार हो जाता है थोड़ा सा। और फिर मैं ये इसमें, पहले मैंने इलायची नहीं डाला था, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, मेरे पास है तो इसलिए मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको खड़ा पसंद है तो आप खड़ा डाल दें, लेकिन इलायची पाउडर डाल देवे से ना अभी बहुत अच्छा खुशबू मज़ेदार सा आ जाता है। और इसके बाद मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इसे ढक दें अच्छे से मिक्स कर दें। मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पे ढक दें, सब अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा चिकन कौरमा तैयार है। मैं चूल्हा भुक कर दूँगी बंद और ये मैं इसमें निकाल लेती हूँ। इस तरीके से
बिल्कुल कलर भी एकदम अच्छा सा आया है, काजू और उसका टेक्चर भी एकदम बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए धनिया, और ये थोड़ा सा है भुना हुआ प्याज, ये थोड़ा सा काजू 4-5, और फिर रेडी है खाने के लिए आपका शाही चिकन कोरमा। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए, और बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। और देख के भी कितना अच्छा लग रहा है, जो देख के अच्छा लगता है खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे नान बनाया है, तवा नान खाने के लिए। आप राइस, पराठे, किसी चीज़ के साथ भी आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। तो फिर मिलती हूँ, दूसरी रेसिपी लेकर आपके सामने आती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो बस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।